हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चौली की सब्जी। तो सबसे पहले मैंने पैन में ये तेल डाल दिया है 1 चम्मच, और उसमें डाल रही हूँ मैं ये कड़ी पत्ता। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये प्याज, मैंने थोड़ी सी प्याज काट के रखा है वो मैं डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर है थोड़ा सा, देखिए ये मसाला है। मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ी सी हरी धनिया पीसा है, और ये मैंने इसके ऊपर ही गरम मसाला पाउडर भी डाला है, तो मैं ये भी डाल दूंगी साथ में। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये मसाला थोड़ा सा भून जाए फिर मैं इसमें चौली डालूंगी। मुझे इसमें टमाटर थोड़ा कम लग रहा था, तो मैं 1 टमाटर इसमें काट के डाल दे रही हूँ, क्योंकि मुझे टमाटर बहुत पसंद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी हर सब्जी में टमाटर बहुत रहता है, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और मसाले के साथ ये गल जाएगा टमाटर। और ये देखिए 200 ग्राम चौली है, इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया है, तो मैं इसके साथ ही इसको डाल दे रही हूँ ताकि मसाला भी भुन जाएगा और ये भी पक जाएगा। वैसे ये गला हुआ है लेकिन साथ में थोड़ा पक जाएगा तो इसके अंदर सारा मसाले का टेस्ट आ जाएगा, तो मैं इसको भी इसमें डाल दे रही हूँ। मसाला भूनते भूनते ये पक जाएगा, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही हेल्दी है। स्प्राउट्स में भी इसको डालते हैं। ढक के रखती हूँ, पक जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये चौली की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको थोड़ा मैंने रसे वाली रखी हूँ, और इसको ऊपर से मैं डाल रही हूँ हरी धनिया। अब ये बन गई है, बनकर तैयार हो गई है, मैं गरम गरम आपको सर्व करती हूँ। देखिए हमारा ये चौली का सब्जी बनकर रेडी हो गया है, और मैंने इस पे थोड़ा सा ग्रेवी रखा है, ये थिक ग्रेवी है, देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, डिलीशियस। आप रोटी और राइस दोनों के साथ ही खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। आप भी बनाकर ट्राई कीजिए, और अपने बच्चों को खिलाइए, फैमिली में सबको खिलाइए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।